एसडीएम सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने सोमवार को मौजा नरसिंहपुर थाना तिवारीपुर, मौजा चकसा हुसैन थाना गोरखनाथ, मौजा तकिया कवलदाह थाना तिवारीपुर, मोहल्ला बशारतपुर शिवनगर कॉलोनी थाना गोरखनाथ, मौजा हर सेवकपुर नंबर 2 इंद्रप्रस्थ पुरम कॉलोनी थाना शाहपुर, मोहल्ला बशारतपुर पूर्वी थाना शाहपुर तथा मौजा गौरा थाना पिपराइच में बनाए गए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए नियमित उस क्षेत्र में 250 मीटर परिधि क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन तथा 500 मीटर परिधि क्षेत्र में बफर तथा मौजा गौरा थाना पिपराइच के 400 मीटर को कंटेनमेंट जोन तथा 700 मीटर परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उस परिधि सीमा को 21 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। उस परिधि सीमा में आम जन मानस का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने कहा, बाजी चले जाइए, वहाँ हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, बाकी अगर एम्बुलेंस से जाना तो एम्बुलेंस दिलवा देते हैं, तो गाड़ी से हम कोऑर्डिनेट कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ एक अलग डिपार्टमेंट है जो कोविड वाले, एक अलग है और टेस्ट अलग होता है, टेस्ट फैसिलिटी अलग है हमारी। वो जो हॉस्पिटल जहाँ कोविड के पेशेंट भर्ती है ना, वो एक अलग, वो अलग विंग है, वो दूर है ही नहीं। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है अलग है, इसमें तो हम लोग भी जाते हैं, कोई भी जाता है इसमें, इसमें आप घबराइए मत, हमने भी कराया अपना टेस्ट, पूरे स्टाफ को कराया, ठीक है। कर ले रहे तो अपनी गाड़ी से हम चले जा रहे हैं। हाँ, तो अभी कितने लोग हैं आप? अभी इसमें जो दस लोग हैं, तो आपका हम करवा देते हैं। अभी आज का टाइम हुआ है, लेकिन लेकिन घर ही सब लोग नहीं, सब लोग बाद में आए, माँ के साथ तो मैं ही था, नहीं फिर भी चलिए एक सबको करा लीजिए, करा लीजिए, आप सबके साथ हैं ना, चाहते करा लीजिए, आप सबके साथ हैं। हाँ, अभी तो हम कुछ खुद ही अलग हैं, क्वारंटाइन के कंडीशन में ही हैं। हाँ नहीं, अच्छी बात है, तो आप करा लीजिए, आप करा लीजिए, मैं कोऑर्डिनेट करा देता हूँ, है ना। हमारे दो तीन मित्र भी हैं, वो भी मेरे साथ के बाद में, वो तो बिना मतलब कि बाहर नहीं, मत दिख लो, समझ में नहीं आता कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है। अरे उसका सैंपल ना रैंडम करवाया था हमने, घर में गया होगा देने के लिए। हाँ, अभी क्या कहते हैं, बाइक से जा रहा है, जी जी, अरे अरे भैया बाइक से जा रहा है, उससे जा रहा है, उससे भी सैनिटाइज करा देना चाहिए वाले, आरोग्य सेतु ऐप फीचर यूज करें मोबाइल में, मोबाइल में अपने में आरोग्य सेतु ऐप यूज करें, ठीक है। कल के आने जो भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लें और डराइए, अगर मास्क के मतलब तो वायरस फैल रहा है, तो डरा जितना डरा सकते हैं उतना डराइए, वायरस फैल जाएगा दिक्कत हो जाएगी, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें। शहर में हमारे हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है। आज हम थाना गोरखनाथ अंतर्गत चकसा हुसैन और शिवनगर बशारतपुर, वहाँ गए, दो हॉटस्पॉट बने हैं। वहाँ आने वाले व्यक्तियों के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं, कंटेनमेंट कराया है 250 मीटर के एरिया को, 400-500 मीटर के एरिया को हमें बफर जोन बनाया है। सब तरीके की आवाजाही बंद कर दी गई है और हर एक का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जितने भी लोग उसके व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, सबको हमने मेडिकल टेस्ट और उनके स्वैब टेस्ट के लिए भेजा गया है। इसके अलावा थाना तिवारीपुर में सूरज कुंड गए, दूसरा सूर्य विहार कॉलोनी तकलाईवलदा जो है वहाँ गए,
नरसिंहपुर वहाँ पे गए, वहाँ पे चार मतलब बेसिकली थाना तिवारीपुर में चार हॉटस्पॉट हैं, चारों हॉटस्पॉटों का निरीक्षण किया। सूरजकुंड में दो हैं आपका, नरसिंहपुर में एक है और सूर्य विहार कॉलोनी उसमें, तो चार टोटल तिवारीपुर में उसमें भी हमने ये निर्देश दिए। फिर उसके बाद हम थाना शाहपुर के अंतर्गत गए जिसमें मौजा हरसेवकपुर नंबर दो जो इंद्रप्रस्थपुरम है वहाँ गए और रुद्रा होटल के पीछे है वहाँ पे हॉटस्पॉट बनाया है। तो लगभग इस तरीके से आज हमने 12 हॉटस्पॉटों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आवागमन को एंट्री एग्जिट को बंद किया गया है, सारे आवश्यक सामान और सेवाओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी। एक इंसिडेंस ऑफिसर नियुक्त किया है, सैनिटाइजेशन के लिए नगर निगम को बोला गया है, सुबह शाम सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और सीएमओ साहब को हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जितने भी लोग संपर्क में आए हैं उन सभी का कल सैंपल टेस्टिंग कराने के लिए बोला गया है और 21 दिनों तक ये सारी गतिविधियाँ उसमें पूर्णतः बंद रहेंगी। किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो चाहे इंडस्ट्री, विदाउट परमिशन वहाँ से उसमें एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं होगा। हाँ, जनरली क्या है कि क्योंकि हमने पैदल मार्च किया था तो वहाँ के लोग अब चूँकि कोरोना का ऐसा जागरूकता फैल चुकी है, हर लोग अवेयर हैं, हर लोग जागरूक हैं, फिर भी कंटेनमेंट जोन में क्या क्या सावधानी बरतनी है उन लोगों को बताया गया है, कैसे आपको आने वाले 21 दिनों में कैसे अपने आप को करना है, कैसे अपने आप को पेश आना है, कैसे कैसे किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है परेशानी हो, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हर आवश्यक वस्तु आपके घरों तक पहुंच जाए। उन लोगों को बताया गया, वो लोग खुद जागरूक हैं और लोगों को जागरूक किया भी जा रहा है। निगरानी समिति के माध्यम से आशा ANM आंगनवाड़ी बहनें डोर टू डोर जाके उनका सर्वे भी कर रही हैं।